दो लॉन्ग और एक शॉर्ट, यह अब तक का इक्वेशन। एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान हमारे साथ अब जुड़ते हुए। समित, आप किस तरफ है? गुड आफ्टरनून प्रदीप। देखिए, लास्ट 2 या 3 वीक्स में हमने जो ग्रेजुअल मूव अपवर्ड देखा है वो कहीं ना कहीं अभी जो मेजर रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है, जो हम 7980 के आसपास देख रहे हैं, 8000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। देर आर वेरियस टेक्निकल एविडेंसेस, वो कोइंसाइड हो रहे हैं उसके आसपास, तो कहीं ना कहीं एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग तो हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ। सो 7960 7970 यहाँ पे एक कॉन्ट्रा बेट लिया जा सकता है अगेंस्ट ऑनगोइंग मोमेंटम। 8020 का एक स्टॉप लॉस आप प्लेस कीजिए, और ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं, 7880 से लेकर 7860 तक हम माइनर डिप देख सकते हैं। ओके समित, शुक्रिया आपका। तो आज तो टाई होता हुआ लग रहा है, दो तेजी और दो मंदी के कॉल आए हैं। अब यहाँ पर 7880 नीचे की तरफ एक टारगेट दिखता है समित को, और स्टॉप लॉस वो लगा रहे हैं 8020 पे। लेकिन वही लेवल आप तेजी के नजरिए से देखें तो आपका टारगेट हो सकता है, कुणाल कह रहे हैं 8025 को अपना टारगेट बनाइए, 7910 पे स्टॉप लॉस लगाइए। दरअसल आप या तो ये मानिए कि 10 पॉइंट अंदर रहेंगे अब इस रेंज में, यानी 7900 और 8000 के बीच में 100 पॉइंट की एक रेंज है। कुछ स्टॉप लॉस या जो अहम लेवल है वो इसके 10 पॉइंट नीचे हैं, कोई 10 पॉइंट ऊपर हैं। टेक्निकली आपको अलग अलग लेवल, अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग तरीके से बनते हैं, और ये सारे एनालिस्ट जो तरीका अपनाते हैं, जो स्ट्रैटेजी उनकी कामयाब रही है उसके हिसाब से वो अपने लेवल तय करते हैं। लेकिन मोटी बात ये नज़र आती है कि 7900 के नीचे जाना मुश्किल है, 8000 के ऊपर जाके टिकना मुश्किल है। अब लेवल आप कौन सा चुनेंगे ये आप तय कीजिए। अगर आपको 7900 के करीब मिले तो तेज़ी कीजिए, 8000 या इसके ऊपर मिले वहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ मंदी कीजिए। फिलहाल ये रेंज प्ले कर रहे हैं सब लोग, इसलिए आपको कॉल शॉर्ट या लॉन्ग दिख रही है, बात एक ही है, कंसेंसस है रेंज को लेकर। और आगे बढ़े और आप